फ्रेंड्स, मैं हूं श्याम भाटिया और आप सबका वेलकम करता हूं ई एकेडमी 123 पर। चलिए, रोजाना की तरह आज भी एक बेहतरीन क्वेश्चन लेकर मैं आया हूं, जिसमें हमें समझना है कि ये एक सर्किट दिया गया है जो कि बहुत ही अच्छा सर्किट है। इसमें आपको ये बताना है कि वोल्ट मीटर की रीडिंग क्या होगी, यानी यहाँ से यहाँ तक के बीच का वोल्टेज वोल्टेज कितना होगा, ये बताना है ना। तो ये वाला क्वेश्चन अल्टीमेटली मीटर ब्रिज से है, और मीटर ब्रिज से और पोटेंशियोमीटर से हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको कैसे फाइंड आउट करना, इसका करस्पॉन्डिंग चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, उनमें से अपन को फाइंड आउट करना, ठीक है। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। रोजाना की तरह क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपके साथ एक और बात शेयर करना चाहता हूं कि मैं इसके अलावा अनअकैडमी पर भी पढ़ाता हूं। वहां पर आप देख सकते हैं कि वहां पर अनअकैडमी प्रो डिग्री 20 लाख जीतने तक का भी ऑफर चल रहा है ना। ये कॉलेज ग्रांट के फॉर्म में है, फीस और बाकी एक्सपेंडिचर के फॉर्म में है ना, और ये 23 जून को हो रहा है, और ये आपके पेरेंट्स के लिए, यस हाँ, पेरेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है ना। जरूर नहीं कि इतना एक्सपेंडिचर हर पेरेंट्स जो मिडिल क्लास होते हैं वो कर पाए। तो अगर आपको इस टेस्ट को देना है तो 23 जनवरी को आपको 10 बजे से स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप 7th क्लास में पढ़ रहे हैं, 8th में 9th में 10th में, या इंजीनियरिंग जो कि आपका जेई करना चाहते हो, मेडिकल जो कि नीट की प्रिपरेशन अगर आप करना चाहते हो, तब उनके लिए है ना, फॉर क्लास 11th और 12th जो कि फाउंडेशन के लिए होता है ना, इनमें से करना चाहते हो एक्साइटिंग, तो आप इस टेस्ट को जरूर दो, है ना। और कोड कौन सा यूज़ करना है आपको, श्याम भाटिया फिजिक्स कोड यूज़ करके अनलॉक करना है। ये कॉम्पिटिशन ऑल इंडिया लेवल का है, ये बहुत आपको मदद करने वाला, आपकी फैमिली को भी आपको भी, ठीक है। रैंक फर्स्ट आएगी तो मेकबुक एयर, रैंक 2 और 3 आएगी तो इस टाइप से आप देख सकते हो, पूरा स्कॉलरशिप का भी बैंड इसमें दे रखा है। या देखेंगे डेली प्रैक्टिस भी 16 जनवरी से स्टार्ट हो गई है 2022 पे, है ना, 2022 के लिए। ये प्रो डिग्री 2022 है ना, इसके लिए कोड श्याम भाटिया फिजिक्स ही यूज़ करना है आपको। दूसरी चीज़ आ रही है कि फास्ट ट्रैक रिवीजन बेच जो कि 19 से स्टार्ट होगी, 19 ऑफ द जेन से, है ना। अर्ली एंथर्स बेच जो होगी ये भी 19 ऑफ द जेन से स्टार्ट होने वाली, और लास्ट मिनट बेच जो है रिवीजन 2 जो हो रही है ये भी कहाँ से हो रही है, 19 ऑफ द जेन से। तो जो इंटरेस्टेड है वो ज्वाइन कर लीजिएगा, और टेस्ट सीरीज भी अभी स्टार्ट कर दिए अनअकैडमी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट। नॉलेज को तोलेंगे कैसे, तराजू तो चाहिए ना, दैट इज़ कॉल्ड द टेस्ट सीरीज, है ना। तो ये 23 जेन को स्टार्ट हो रही है ना, हर संडे होने वाली है 2 से 5 बजे के बीच में, ठीक है। कोड आपको श्याम भाटिया फिजिक्स कोड यूज़ करके करना है, ठीक है। जेई मेंस की प्रिपरेशन के लिए इसमें वीडियो सॉल्यूशन भी मिलेगा, साथ ही साथ आपको स्ट्रेंथ और इम्प्रूवमेंट के बारे में बात मिलेगी, और 200 लर्नर को 100% स्कॉलरशिप मिलेगी, है ना। तो ये वाली चीज़ें फीचर थी। चलो क्वेश्चन पे चलते हैं, है ना। क्वेश्चन में आ जाइए, इसमें आपको निकालना है कि किस टाइप से, है ना, किस टाइप से आपको इसको आंसर को फाइंड करना है ना। पहले समझो, है ना, पहले समझो, उसके बाद ही बात की कहानी। देखो मुझे बताओ, टोटल वोल्टेज यहाँ से यहाँ तक कितना है, 12 वोल्ट है। ये किसके अक्रॉस होना चाहिए, इसके अक्रॉस होना चाहिए सर, है ना, इसके अक्रॉस होना चाहिए। अब ये टोटल लेंथ कितनी है इसकी, एल है ना, एल है। तो एल एल लेंथ पर कितना डिस्ट्रीब्यूटेड है, 12 वोल्ट डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो यूनिट लेंथ पर कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा, है ना, 12 वोल्ट / L डिस्ट्रीब्यूट होगा, है ना। और एक्स लेंथ पे, जो कि एक्स लेंथ पे कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा, बोलो 12 / L × x होगा। ये वो डिस्टेंस है, ये वो डिस्टेंस है जो आपको देना चाहती है। क्या देना चाहती है, एक आइडिया आई बात समझ में। और ये क्या, RH क्या होता है, रियोस्टेट बॉक्स बोलते हैं। ये वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है, क्या होता है, वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है ना। मतलब क्या है ना, उसका एक डब्बा रहता है इस टाइप का, आपने देखा होगा लैब में, है ना, यहाँ पे उसको रख दिया जाता है, यहाँ पे उसको रख दिया जाता है, इसमें एक बकल की तरह होता है, उसको खिसकाना होता है, जिस जैसे खिसकाओगे तो ये वेरिएबल रेजिस्टेंस ऑफर करता है ना। तो ये करंट में फ्लो करवाने के लिए, यानी करंट को फ्लो करवाने के लिए इम्पोर्टेंट। चलो बहुत बढ़िया, अब यहाँ देखो थोड़ी सी बात को, यहाँ से अब अपना मामला आगे बढ़ेगा। तो ये 12 वोल्ट जो है, 12 वोल्ट जो है, ये कहाँ से कहाँ तक है, ये पूरे सर्किट में है ना, जो मैंने लिखा है। अब यहाँ से 4.8 वोल्ट का क्या लगा दिया आपने, एक सेल लगा दिया है ना, जो कि गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन दिखा रहा। तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, इसमें करंट फ्लो हो रही हो क्या, नहीं हो रही हो, क्योंकि इसका मतलब ये कि ये 4.8 वोल्ट का वोल्टेज डिफरेंस है, वो इस वोल्टेज डिफरेंस 4.8 वोल्टेज से क्या हो गया होगा, बैलेंस हो गया होगा। हाँ, तो यानी 4.8 है ना, 4.8 वोल्टेज बैलेंस हो रहा है किस पे, 40 सेंटीमीटर में बैलेंस हो रहा है। क्या लगाएंगे आप, 40 सेंटीमीटर में कितना बैलेंस हो रहा है, यानी 4.8 सेंटीमीटर ये तो सेल है एक्चुअली, लेकिन ये इसका भी कितना होगा, इसका भी 4.8 ही होगा, इक्विवेलेंट है ना, इक्विवेलेंट जो यहाँ से हम निकाल रहे थे इसमें, कि इसका जो आ जाएगा एक्स पर वोल्टेज जो निकालते हैं वो वाले,
तो टोटल कितना हो जाएगा बताओ मुझे। अरे सर टोटल कितना हो रहा, 40 सेंटीमीटर पे हो रहा है, या यूं कहो कि 40 सेंटीमीटर पे कितना बैलेंस है, 4.8 वोल्ट बैलेंस है। तो एक सेंटीमीटर पे कितना बैलेंस हो जाएगा बोलो, 4.8 बाय 40। ये एक सेंटीमीटर पे बैलेंस हुआ है, एक सेंटीमीटर का वोल्टेज कितना, ऐसे 1, 2, 3, 4, 40 40 कर देंगे तो 40 से मल्टीप्लाई होकर ये क्या 4.8 ही बन जाएगा। यस और नो? यस सर, है ना। तो ये कि ये क्या बन जाएगा, वही बन जाएगा, थोड़ा सा क्लीन कर दिया जाए ताकि अच्छे से दिखे चीज़ें, है ना। तो ये तो उतना ही बन जाएगा, लेकिन ये आया है एक सेंटीमीटर, हमें कितने पे निकालना बोलो, हमें तो इस पूरे वायर पे निकाल लेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 48 वोल्ट आ जाए, जो कि ऊपर कितना दिया है 12 वोल्ट दिया है, है ना, 12 वोल्ट। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ से अब इसको प्रोसेड करिए आगे कि 4.8 अपान कितना आ गया 40, लेकिन हमें बचे हुए पे कितने करना बताओ मुझे, बचे हुए पे इस पे निकालना है ना, इस पे वोल्टेज कितना होगा, यही तो इस वोल्ट मीटर की रीडिंग होगी, यही तो। ये कितना है, 60 सेंटीमीटर है ना, 60 सेंटीमीटर, इससे 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो या तो एक ये प्रोसीजर होता है, ये इससे काटा, ये 2 और ये 3, और ये कितना आ जाएगा 2.4, है ना। तो ये आ जाएगा 7.2 वोल्ट, जो कि यहाँ पे आ रहा आंसर, है ना। एक मेथड तो ये है, एक और मेथड है ना अपने पास, बहुत ज़्यादा मेथड है, E1 बाय E2 इक्वल टू आता है L1 बाय L2, है ना, क्योंकि E जो रहेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L हो जाएगा। E आपके पास कितना आ जाएगा, तो ये E2 इक्वल टू आ जाएगा L1 बाय L2। आगे प्रोसीड करते हैं इसको, E1 कितना आ रहा, 4.8, ये कितने पे बैलेंस हो रहा है 4.8, देखो 4.8 कितने बैलेंस हो रहा है, 40 पे बैलेंस हो रहा है। ये दूसरी मेथड है, कितने से बैलेंस हो रहा है, 40 सेंटीमीटर बैलेंस हो रहा। अब वो E2 है ना, ये E2 निकालना मुझे नहीं पता कितने बैलेंस हो रहा है ना, लेकिन ये कितनी दे रखी, 60 मीटर दे रखी, तो यहाँ पे क्या डाल दोगे, 60 डाल दोगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा E2 है ना, जिस जो बैलेंस होगा, तो 60 अपॉन 40 इंटू 4.8, तो ये वाली तो स्टेप आ गई जो मैंने यहाँ करी थी, काटो फिर इससे, तो ये कितना कटेगा, 12 चौक 48 और ये 12 चौक 72, तो 7.2 वोल्ट ये भी आ गया देखो, तो इससे भी 7.2 आ रहा, यानी दो दो मेथड से आ रहा है ये चीज़, है ना। किसी भी मेथड से करो, ये वाली मेथड कभी फेल नहीं होगी, ये फार्मूले वाली मेथड फेल हो सकती है ना, मतलब जब जे एडवांस और मेंस पूछेगा या है ना, वहाँ थोड़ा सा घुमा दिया जाएगा क्वेश्चन, तो चेंज हो सकता है ना। तो ये क्वेश्चन, ये वीडियो यहीं तक का है ना, इसमें रिलेटेड कोई भी डाउट और कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे बिल्कुल कमेंट करके पूछ सकते हो, बट बेसिक क्वेश्चन आते हैं इसमें, है ना।